वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। दोस्तों, अर्जेंट वर्क के लिए आज हम आपको एप्लीकेशन राइट करना बता रहे हैं, आप कैसे एप्लीकेशन राइट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली आ जाएगा दोस्तों टू कॉमा द प्रिंसिपल सर, स्कूल का नेम यहाँ मेंशन हो जाएगा जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, और उस स्कूल का एड्रेस मेंशन हो जाएगा। जो भी स्कूल का एड्रेस होगा वो आप स्कूल का एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना है आपने एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, ज़रूरी कार्य के लिए, अर्जेंट वर्क के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, ज़रूरी कार्य के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद लिखना आपको दोस्तों रिस्पेक्टेड सर या मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम, मैडम कॉमा, आफ्टर दैट नीचे आपको राइट करना है आई हम्बली, आई हम्बली स्टेट दैट I humbly state that मीन्स दोस्तों जो होता है humbly state का मीनिंग जो होता है वो होता है मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ। मेरा सविनय निवेदन यह है कि I humbly state that I am a regular student of class name, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, वहाँ आप क्लास का नेम डालेंगे। तो I humbly state that I am a regular student of जो भी क्लास नेम है, क्लास नेम मान लीजिए फिफ्थ क्लास है या सेवन है, तो मैं यहाँ डालता हूँ स्टूडेंट ऑफ सेवन्थ क्लास ऑफ योर स्कूल। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के सातवीं कक्षा का नियमित छात्र हूँ। आई नीड अ लीव फॉर टू डेज, मुझे जो है दो दिन के लिए अवकाश चाहिए। मुझे आवश्यकता है लीव फॉर टू डेज बिकॉज आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट होम। यहाँ पे दोस्तों मैंने टू डेज डाला, इसे आप थ्री डेज, वन डेज भी कर सकते हैं या फोर डेज, जो भी आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। तो आई नीड लीव फॉर टू डेज बिकॉज आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट होम फुल स्टॉप। मुझे दो दिन के लिए अवकाश चाहिए क्योंकि मेरे घर पे कुछ जरूरी कार्य हैं। फॉर विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे एट होम, जिसके लिए मुझे घर पर रहना बहुत आवश्यक है। फॉर विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टे एट होम फुल स्टॉप। उसके बाद आ जाएगा देयर फोर कॉमा सर इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज़, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। देयर फोर कॉमा सर इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ ग्रांट मी लीव, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। Grateful to you for this full stop। उसके बाद आ जाएगा आपका विश्वासी छात्र your faithful student आपका विश्वासी छात्र कॉमा and mention your name and mention your class and also mention your roll number and at the last mention the date। नीचे आप डेट मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क।